आधार लिंकिंग डेट एक्सटेंशन की हम सभी वेट कर रहे थे पैन एंड आधार लिंकिंग की डेट एक्सटेंड कर दी गई है चलिए हम जानते हैं तो पैन एंड आधार लिंकिंग की डेट एक्सटेंड हो चुकी है 30 जून 2023 तक ठीक है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स जिन्हें भी पैन अलॉट किया गया है एक जुलाई 2017 से वो एलिजिबल है टू अपटेन आधार नंबर इज़ रिक्वायर टू इंटीमेट उन्हें अपना जो है करना था इकतीस मार्च दो तक ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी ठीक है अब यहाँ पे फेलियर टू डू सो शैल अट्रैक्ट सर्टेन प्रकॉशन विद इफेक्ट फ्रॉम एक अप्रैल 2023 से उन्हें जो है आ, करने थे द डेट जो है पैन एंड आधार लिंकिंग की उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2023 तक एक जुलाई से पैन ऑफ पेयर हु फेल टू तो इंटीमेट आधार शेल बिकम इनऑपरेटिव हो जाएगा एक जुलाई 2023 से आपका पैन और कंसिक्वेंसिस क्या आपको फेस करने पड़ेंगे एक जुलाई से नो रिफंड शेल बी मेड अगेंस्ट सच पैन आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा इंटरेस्ट शेल नॉट बी पेबल ऑन सच रिफंड फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच पैन रिमेन इनऑपरेटिव टी डी एस टी सी एस शेल बी डिडक्टेड एंड कलेक्टेड हायर रेट से पैन कैन बी मेड ऑपरेटिव हो सकता है इन थर्टी डेज दोबारा से अपॉन इंटीमेशन ऑफ आधार टू द प्रिस्क्राइबड अथॉरिटी आफ्टर पेमेंट ऑफ फी रुपीज़ वन थाउजेंड था। दो पर्सन जिन्हें पैन एंड आधार लिंकिंग से एग्जाम्प्ट किया है उनको जो है ये कंसिक्वेंसिस फेस नहीं करने पड़ेंगे वो कैटेगरीज कौन सी हैं एन आर आई हैं इंडियन सिटीज़न नहीं है या एटी इयर्स और अबव के एज वाले हैं वो उनके लिए पैन अन आधार मैंडेटरी नहीं है जैसा कि नोटिफिकेशन में कहा गया है ऑलरेडी पैन जो लिंक हो चुके हैं उनका यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है ठीक है तो फाइनली ये जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है तीस जून दो तक